इस वीडियो हम लोग देखने वाले सीमेंट्स रिले को कैसे हम टेस्ट करेंगे, सेल्फ टेस्ट करेंगे, मतलब ट्रिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, वायरिंग ठीक से किया क्या, कैसे टेस्ट करेंगे बताता हूँ। डाउन प्रेस करना, डाउन की, डाउन मेंटेनेंस बोल के आएगा, मेंटेनेंस, फिर ये राइट की प्रेस करना है, फिर डाउन की, आउटपुट मैट्रिक्स टेस्ट बोल के आ रहा है, देखो राइट की 51 B06 रिले को असाइन किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिले का जो आउटपुट B06531 बोल के दिया हुआ है, ये कौन सा सीरीज में, X4 में। ठीक है, यहाँ पीछे देखा, यहाँ पे X4 लिखा है, X4 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, जो हम लोग B6 में असाइन किया ना, B6 ये लास्ट वाला B6 में वायरिंग किया हुआ, सो ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे ठीक से वायरिंग हम लोग B6 में देख रखा क्या, ट्रिपिंग वगैरह का चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी डाउन कर लेता हूँ 51G, ये सारा सेटिंग हम लोग जो जो असाइन किया उस हिसाब से काम करता है, चेक कर सकता है। ठीक है, ये BSV L3 L4 मतलब इंडिकेशन का असाइन किया हुआ है, अगर फेस ये ट्रिप हो तो L3 इंडिकेशन चलेगा ऐसा करके। ये 50 और मतलब ओवरलोड मतलब B06। ओके, ब्रेकर चालू कर रहा हूँ, ऑन करके रख दिया, अभी रिले में जाके एंटर कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस टेस्ट यस आर नो पूछ रहा है, डाउन करने से यस आएगा, फिर एंटर, फिर कंफर्म कर मांग रहा है, एंटर, काउंटर स्टार्ट हो गया, 9 8 7 का काउंटर स्टार्ट हो गया। देखिए काउंटर 0 हो जाने से क्या रिडियो ट्रिप कराएगा, ट्रिप हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब आपका मतलब जो असाइन किया रिले असाइन किया वो सही असाइन किया और वायरिंग भी ओके है। B06 जगह में हम B04 कोई भी रिले को हम असाइन कर सकता है, असाइन करने के हिसाब से वो ट्रिपिंग वगैरह के वायरिंग किया होकर टेस्टिंग के लिए वो सेल्फ टेस्ट यूज होता है। ठीक है, और वो रिले आउटपुट को कैसे हम असाइन कर सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। थैंक यू।